दोस्तों निम्मी बैंक के असाइनमेंट प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे हम, पार्ट नंबर 5 है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो देखना है आपको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलडीसी का उद्देश्य क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर, पैरामीटर की निगरानी। इसमें कहा क्या रहा है, डीसी जो ड्राइव होता है, बेसिक ऑपरेटर पैनल एलडीसी का उद्देश्य क्या है। जो इसमें मेन पूछा है एलडीसी का पर्पज क्या है, एलडीसी का उद्देश्य क्या है। जो एलडीसी का उद्देश्य होता है ड्राइव में, वो क्या होता है, पैरामीटर की निगरानी, मतलब पैरामीटर की देख रेख करना। आगे चलते हैं। अब आपके सामने आगे आ गया अगला क्वेश्चन। डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। केबल का उपयोग करने का कारण है आपका डी नंबर होगा, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। क्या करता है, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है, आपका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। इसमें क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है तो स्पीड को कंट्रोल करता है। एसी ड्राइव में जो एसी मोटर को हम चलाते हैं तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, जो उसको काम होता है स्पीड को कंट्रोल करना। आगे है, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है, मोटर को स्पीड की कंट्रोल, गति को नियंत्रण करना होता है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है, इंसुलेटर गेट, इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसका आंसर होगा, सही आंसर क्या पूछा है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का काम क्या होता है। तो इसमें होगा, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। क्या करता है, मोटर को दी गई शक्ति को, पावर को कंट्रोल करता है। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव इसलिए बेहतर है कि ना तो उसमें ब्रश होता है और ना ही कम्यूटेशन होता है। आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों बेहतर है, क्योंकि ना उसमें ब्रश होता है और ना ही उसमें क्या होता है, कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन मतलब कंपन। आगे है, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। इसमें बेनिफिट्स क्या होगा यदि डीसी ड्राइव की एसी ड्राइव को हम उपयोग करते हैं, डीसी ड्राइव का ना करके एसी ड्राइव को करते हैं तो उसमें क्या हमको बेनिफिट्स होगा कि स्थापना और चालन के लिए कम लागत। ये आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको स्थापित करने के लिए और चलाने के लिए कम पैसे की पूर्ति करेगा वो। आगे है आपका, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिग्नल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें से आपका होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके एंट्री पंप। आगे है, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का क्या कार्य है। FSU का फुल फॉर्म यहाँ पास दिया है, फील्ड सप्लाई और यूनिट। इसका काम क्या होता है, फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन। आगे देख लेते हैं, इधर साइड से नहीं होगा आपका, यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसी में जो ऑप्शन दिया है फायरिंग सर्किट के लिए फायरिंग करंट का उत्पादन, आपका ये वाला आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर है, फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट उत्पादन।
आगे चलते हैं। ऑन 30 नंबर, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? इसमें नुकसान क्या होता है डीसी ड्राइव का? डीसी ड्राइव का नुकसान यह है कि यह उच्च गति पर संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होती। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च गति पर संचालन नहीं होती, ये इसका नुकसान है। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर फाइनल बीओपी में एलडीसी का उद्देश्य क्या है? इसमें जो एलडीसी का उद्देश्य होता है वही होता है कि इसमें पैरामीटर की निगरानी करता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 132 में, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम है। जो कुंजी बटन होता है उसका सही क्रम है, कौन सा क्रम है? इसमें से आपका सी नंबर क्रम होगा। क्यों? क्योंकि जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो पहले उसके पुश को हम ऑन करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ऑफ करके उसको रिवर्स में लाएंगे, रिवर्स करके फिर हम उसको ऑन कर देंगे। तो इस तरह उसका सही अनुक्रम होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, एसी ड्राइव में बीओपी में प्रोब डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा, उद्देश्य क्या होता है उसमें प्रोब डाटा बटन का, स्टोरेज को, डाटा को स्टोरेज, मतलब डाटा संग्रहित करने का काम होता है प्रोब का। तो आपका ये होगा, हो जाएगा आंसर बी नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका, मोटर में प्लग घूर्ण के समानुपाती कौन सा है? प्लग घूर्ण के समानुपाती होता है आर्मेचर करंट आपका प्लग घूर्ण के समानुपाती होता है। बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? आईजीबीटी क्या होता है बीएफ ड्राइव में? इसमें इन्वर्टर स्विचिंग होता है, आईजीबीटी। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? बीएसआई ड्राइव का कार्य क्या होता है? एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो इसका कारण है इसका जीवन काल जो है लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। ए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जाती है? आधार गति डीसी शंट मोटर की क्या करना है? उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति, गति हमको स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड को हम कब बढ़ाएंगे? जब उसके फील्ड करंट को कम करेंगे। फील्ड करंट को कम करेंगे तो स्पीड उसकी बढ़ेगी, क्योंकि जो स्पीड है एन जो है इसके अनुपाती में होता है, किसके अनुपाती? फील्ड करंट के। तो एफ नहीं को आई या फील्ड करंट के अनुपाती होता है, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो हम फील्ड करंट को कम कर देंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टार्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हमको नियत टार्क जब प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, आर्मेचर और वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे। किसको? आर्मेचर और वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव को, टार्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है, यदि ISI के अनुसार क्या, ISI के अनुसार, ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? इसमें क्या है कि जो हमारा ISI के अनुसार जो कहा गया है नियम, तो उसमें क्या करते हैं, 5% हम बढ़ा सकते हैं और 5% घटा सकते हैं। तो यदि हम 240 का 5% निकालें तो उसमें क्या होगा, 12 आएगा, और 12 को हम 240 में, 240 को 12 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
माइनस कर देंगे 12 तो आ जाएगा 228 आ जाएगा। तो 228 इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर आपका। आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 228। आगे है 141, किस शब्द से तात्पर्य है कि किस पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त आवेश। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक से रिलेटेड है। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है किस शब्द से तात्पर्य है कि किस पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो इसमें आपका डी नंबर रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। आगे है संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है। UPS का पूर्ण रूप होता है, यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर आ जाइए आप डी नंबर में। डी नंबर में आएंगे तो आप क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटेड पावर सप्लाई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आवृत कन्वर्टर कौन सा है, मतलब आवृत को कन्वर्ट करना है तो इसमें कौन सा काम करेगा उपकरण, साइक्लो कन्वर्टर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लो कन्वर्टर। आवृत कन्वर्टर कौन सा है, साइक्लो कन्वर्टर आपका सही आंसर हो जाएगा। PWM पूर्ण रूप क्या है, PWM का पूर्ण रूप है आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्स वाइड मॉड्यूलेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 145 में, ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि परिवर्तन और संक्रमण की समस्याएं से मुक्त हो जाएंगे। इसमें करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका। क्या पूछा है, ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा क्या होगा, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा क्या है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फीडबैक सर्किट, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा फीडबैक नेटवर्क उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर, क्या वोल्टेज डिवाइडर हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आगे है चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है, विद्युत उपकरण कौन सा है जो वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोस्टेट, आपका ए नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। आगे है एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। यदि उसका आंतरिक जो डिस्चार्ज हो गया तो क्या उसमें नमी की मात्रा कम होगी। जब नमी की मात्रा कम होगी मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ये है। आगे है वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े चार सेल 0.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर एच के रूप में रेट की गई है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ठीक है दोस्तों।